व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज है 4 दिसंबर और आज का दिन बड़ा ही शानदार दिन है। क्यों? क्योंकि आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन नेवी डे के रूप में। आखिर आज का ही दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? अगर आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके चलूँ तो आप लोगों को पता होगा 1971 की वार के बारे में, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थी। कहने के लिए तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थी, पर इनडायरेक्ट वे में अगर हम देखें तो ये ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में थी। उस टाइम पर बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था और जो आज की डेट में जो पाकिस्तान हम लोग देखते हैं उसको वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। इसको बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान, मैप में आप लोग देख लीजिए, और इसको बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। तो दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी और उस टाइम पर बहुत सारे शरणार्थी यहाँ से बांग्लादेश से निकल के हमारी कंट्री में आकर आकर घुस गए थे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया था। और जब जाकर हमने इसमें एंट्री की थी जो ये वार चल रही थी, बिल्कुल उसी तरीके कंडीशन समझ सकते हैं जो आज की डेट में म्यांमार वाले एरिया में चल रही है। और सारे जो यहाँ से भाग के सारे शरणार्थी कहाँ पर आ गए हैं? ये आ गए हैं सारे बांग्लादेश में। तो कुछ ऐसी ही कंडीशन हमारी कंट्री में उस टाइम पर बनी हुई थी। तो उस टाइम हमारी इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी सब ने मिलकर बड़ा साहस दिखाया था और उस टाइम पर हमने क्या किया था, बांग्लादेश को आज़ाद कराने में पाकिस्तान से उसकी हेल्प की थी। और आज की डेट में बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो उसी के टाइम पे ड्यूरेशन पे 4 दिसंबर में कराची जो हार्बर है वहां पर हमारी जो नेवी है उसने बहुत ही क्रेज दिखाते हुए यहाँ पर अपना अटैक किया था और सारी चीज़ों को कंट्रोल में किया था यहाँ पर उस टाइम पर, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा हमारे जो गुजरात वाला एरिया है वहाँ पर अटैक किए जा रहे थे। तो इसीलिए इसको यहाँ इसका जो क्रेज हमारी नेवी ने दिखाया था उस टाइम पर, इसी के लिए इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है 4 दिसंबर। इसके साथ में आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे यहाँ पर जो आर्म फोर्सेज हैं, जितने भी आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, तो इनके कमांडर चीफ जो होते हैं वो होते हैं हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट। ठीक है, अच्छा ये बताइए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं वो किसके अंडर में आती हैं, उनके बारे में आप लोग बताइए, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती हैं। इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए जो फादर ऑफ इंडियन नेवी बोला जाता है, तो वो बोला जाता है छत्रपति शिवाजी भोसले जी को। ये भी एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी जो कंट्री की बाउंड्री है उनको काफी सेव रखा अपने टाइम पर, और नेवी पर बहुत फोकस था ताकि आसपास वाले एरिया में अच्छे से ट्रेड कर सके। ये जानते थे कि ट्रेड ही किसी कंट्री को एक अच्छे लेवल पर पहुंचा सकता है। आप देख सकते हैं आज के टाइम पे कंट्री का एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग चाइना और जापान, ट्रेड के बूते पर ही आज के डेट में कहां से कहां तक पहुंच गए। तो अपने ट्रेड को सिक्योर रखने के लिए उन्होंने अच्छी खासी नेवी पर फोकस देकर चला था 17th सेंचुरी में। तो 17th सेंचुरी में आप लोगों को जानने को मिलेगा इन्होंने बहुत कुछ किया, क्योंकि उस टाइम पर आप लोग देख सकते थे बहुत सारे प्लंडर हमारी कंट्री में आ रहे थे, मतलब हमारी कंट्री पे अटैक किए जा रहे थे उस टाइम पर अरब्स के द्वारा, पुर्तगीज के द्वारा या ब्रिटिश के द्वारा। तो इस तरीके के बहुत सारे पायरेट्स जो होते हैं, मतलब चोरी करने वाले लुटेरे यहाँ पर आया करते थे। तो अपनी बाउंड्री को सेव करने के लिए और अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने एक अच्छी खासी नेवी का गठन किया था। तो इसीलिए फादर ऑफ इंडियन नेवी बोला जाता है छत्रपति शिवाजी भोसले को। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर काम क्या करती है हमारी नेवी, वही काम करती है जो उस टाइम पर किया करती थी, आज भी वही काम कर रही है, सिक्योर कर रही है हमारे जो मैरीटाइम बॉर्डर है उनको, और उसके अलावा दूसरी कंट्री के साथ में इंगेजमेंट करने का भी काम करती है इंटरनेशनल रिलेशन में। आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिनों पहले न्यूज में था कि हमारी जो नेवी है वो इटली में या फिर और भी दूसरी कंट्री में यूरोप की वहां पर घूमने गए होते, मतलब एक तरीके से एक दूसरे के साथ में एक्सरसाइज करते हैं, तो वो भी काम यहाँ पर किया जाता है। और क्या करते हैं, सी पोर्ट की विजिट करते हैं एक दूसरे की, ज्वाइंट एक्सरसाइज चलाते हैं, ह्यूमैनिटेरियन मिशन चलाते हैं, अगर कहीं पर कोई कलेमिटी आ जाती है, सुनामी वगैरह या साइक्लोन वगैरह, वहां पर भी हमारी जो नेवी है उसका बहुत हाथ रहता है, मतलब चीजों को सोल्यूशन निकालने में। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, तो आज के दिन हम सबकी तरफ से सैल्यूट है इंडियन नेवी को, जो हमको इस तरीके से प्रोटेक्ट करती है कि हम अच्छे से शांति से सांस ले पा रहे हैं अपनी कंट्री में। आज बाकी सब चीज़ों के साथ साथ में आप लोगों को यहाँ पर बुक्स भी मिलेगी, एक बुक का भी जिक्र किया गया है, और इसके साथ में आप लोगों को यहाँ पर योजना का भी आर्टिकल देखने को मिलेगा, और क्वेश्चन वगैरह बाकी सब जो हमारा पैटर्न चल रहा है वो वही रहेगा। तो पहले देख लेते हैं PIB में क्या क्या न्यूज़ है, आज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो पहला है, यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, इसका नाम है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, NNM इसको बोल सकते हैं आप लोग। देखिए ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन हमारी कंट्री में चलाने की बात की जा रही है, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने बहुत टाइम से पीछे भी सुना होगा, कुछ दिनों पहले उड़ीसा या फिर झारखंड में कई सारे और एरिया में हमारे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भूख शिकार की वजह से मारे जाते हैं, और कई सारी एरिया में भी आप लोगों को देखने को मिलता है, चाहे वुमेन हो चाहे और कोई हो, उनको भी इसका शिकार होना पड़ता है। तो उन सब चीजों से निजात पाने के लिए यहाँ पर किस तरीके से सारी मिनिस्ट्री में, जो भी मिनिस्ट्री है, सब मिनिस्ट्री एक तरीके से यहाँ पर इंटरवीन करेंगी एक दूसरे के साथ में, सबको एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर लाने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि अगर किसी का भी कोई भी फील्ड है वहां पर किस तरीके से वर्क किया जा सकता है, मतलब मॉनिटर किया जाएगा एक तरीके से, किस डायरेक्शन में किस तरीके से वर्क किया जा रहा है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर इस तरीके से ये काम करेगा। काम क्या क्या करेगा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर,
सबसे बड़ी बात क्या है कि मैपिंग करेगा वेरियस स्कीम की, जो भी दुनिया भर की स्कीम्स है यहाँ पर, उनको देखेगा कि वो किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है और रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग का मतलब है कि जैसे ही मान लीजिए मैं आप लोगों को लाइव आके पढ़ाने लगूं, तो जो मैं उस टाइम पर बोलूंगा उस टाइम पर आप लोग सेम वो ही सुन पाएंगे जो मैं डायरेक्ट बोलूंगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले रिकॉर्ड करूंगा वीडियो और बाद में आके आप लोगों को वीडियो दूंगा और उसके बाद में आप लोग देखेंगे। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि उस टाइम पर एट ए टाइम मतलब क्या चल रहा है एट पर्टिकुलर एरिया में, तो उन सब पे इसका फोकस किया जाएगा। इसके अलावा इंसेंटिवाइज करेगा ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को, ताकि जो भी टारगेट बनाए गए हैं इन सब स्कीम को कंट्रोल करने के लिए, मतलब जो भी एपिडेमिक हमारी कंट्री में आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उस पर भी ये फोकस करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको इंसेंटिवाइज करेगा, मतलब उनको और हेल्प पहुंचाएगा। इसके अलावा क्या किया जाएगा, यहाँ पर जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मली मैनुअली काम करते हैं, रजिस्टर्स वगैरह होते हैं उनके पास में, तो उनको भी टूल्स दिए जाएंगे जिससे कि इनके रजिस्टर्स वगैरह इन सब चीजों से छुटकारा पाया जा सके और हम अपना डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम है उस डायरेक्शन में बढ़ते हुए नजर आए। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर और भी कई सारे काम किए जाएंगे। उन कई सारे कामों में और क्या है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि बच्चों की देखिए नॉर्मली क्या होता है, अगर उनकी न्यूट्रिशन की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उनको प्रॉपर वे में डाइट नहीं मिल पाती है, तो सबसे बड़ी बात होती है अंडर वेट हो जाते हैं। इसके अलावा उनकी हाइट कम रह जाती है, तो ये सारी चीजों को नापने के लिए भी उनके पास में एक अच्छे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को मिलेंगे। नेक्स्ट जो बात की जाएगी यहाँ पर सोशल ऑडिट, मतलब हम जैसे जो इंसान है जो कि हमारे एरिया में अगर कोई भी काम हो रहा है तो कम से कम उनका भी कोई ना कोई रोल वहां पर होना चाहिए, तो सोशल ऑडिट भी वहां पर होगा। इसके अलावा देखिए मतलब एक तरीके से जो न्यूट्रिशन रिसोर्स सेंटर भी सेट किए जाएंगे जिससे कि देखा जा सके कहाँ कहाँ एरिया में क्या क्या कमी है और किस एरिया में ज्यादा से ज्यादा और रिसर्च करके रिसोर्सेज को ढंग से यूज किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है इनडायरेक्ट वे में इसको एक जन आंदोलन बनाने की बात की जा रही है, जिससे कि जितने भी यहाँ पर स्टनिंग, मतलब स्टनिंग का मतलब होता है जी एक तरीके से रिड्यूस करना है इसको, क्योंकि जो ग्रोथ होती है उसको रोक देना ये काम करता है, तो किस तरीके से इसको रोकना है, मतलब एक बैलेंस डाइट हमको प्रोवाइड कराई जाए और जिससे कि हमारे यहाँ पर चाहे बच्चे हो चाहे वुमेन हो उनको प्रॉपर वे में डाइट मिलती रहे और वो अच्छे से अपना जीवन निर्वाह करते रहे। अंडर वेट हो जाते हैं, एनीमिया हो जाता है, लो बर्थ के बाद में वेट बहुत कम रहता है, आप लोगों ने सुना नहीं होगा नॉर्मली गाँव या आसपास वाले एरिया में कि बच्चे को क्या किया गया, शीशे में रखा गया है, ठीक है, क्यों रखा गया यार, वेट बहुत कम था। तो ये सारी जो एक्टिविटी होती है आगे से ये एक्टिविटी न हो, इन सब पे कंट्रोल पाया जाए, इसीलिए इसका यहाँ पर ये मिशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर किस एरिया में कैसे कैसे ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो देखिए जो इंप्लीमेंट किया जाएगा ये फेज में किया जाएगा, एक साथ में सब एरिया में इंप्लीमेंट नहीं होगा। पहले जो होगा ये 315 डिस्ट्रिक्ट कवर करेगा यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद में कितने करेगा 235 डिस्ट्रिक्ट कवर करेगा 17, 18, 18, 19 में, और जो थोड़े बहुत डिस्ट्रिक्ट बच जाएंगे उसके बाद फिर 19, 20 में टोटल ओवर इंडिया को कवर कर लेगा। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम है यहाँ पर एक तरीके से इसको कंट्रोल करने के लिए। अगर यहाँ पे इसके अलावा अगर बात की जाए टारगेट क्या क्या रखे हैं इन्होंने, टारगेट ये रखे हैं कि जो रिड्यूस करना है, जो लो बर्थ के बच्चे पैदा होते हैं उनको रिड्यूस करना है हर साल लगभग 2%, 2%, फिर इस अगले साल 3%, फिर 2%, तो इस तरीके से पर एनम इनको अपना टारगेट लेके चल रहे हैं ये, ठीक है, मतलब 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, तो 4 साल का इस तरीके से ये अपना टारगेट लेके चल रहे हैं। इसके अलावा देखिए जो स्टनिंग है, मतलब जो मैंने आप लोगों को बताया जो ग्रोथ रुक जाती है उसको रिड्यूस करने के लिए भी इन्होंने एटलीस्ट 2% पर है ना, मतलब जितना भी है उसका 2% हर साल घटाने की बात की गई है, और आने वाले टाइम तक इसको 2022 याद रखेगा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, 2022 तक इसको क्या करने की बात की गई है, इसको 25% तक लाने की बात की जा रही है और बोला जा रहा है इसको मिशन 25 बाई 2022। तो अगर बाप से पूछा जाए मिशन 25 2022 क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में कि जो भी हमारी ग्रोथ होती है बच्चों की, तो उनकी ग्रोथ को उनकी ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए जो स्टनिंग जो फैक्टर होता है उसको रिड्यूस करने के लिए ये मिशन यहाँ पर लाया जा रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड ये प्रोग्राम है और हमारी जो जनता है उसको एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कराने के लिए इसका यूज किया जाएगा, ओके, तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट मिशन है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है बिमिस्टिक मेंबर के बारे में, तो बिमिस्टिक है क्या, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आप इसको बोल सकते हैं कि जो पाकिस्तान को साइड में रखने का काम करती है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान की और हमारी कभी बनती नहीं है ढंग से, तो पाकिस्तान को जैसे हम लोग देखते हैं सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें तो पाकिस्तान है, इसी की वजह से वो आज की डेट में चल नहीं पा रही है, तो पाकिस्तान से पीछे छुटाने का ये एक आसान सा तरीका ढूंढ रखा है इंडिया ने। इसमें मेंबर कौन है, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, ठीक है, तो आज की डेट में आप लोग देख सकते हैं चेयरमैनशिप जो किसके पास है वो नेपाल के पास में है, और जो इसको एस्टैब्लिश किया गया था वो किया गया था 1997 में, तो 2017 चल रहा है, तो आज की डेट में लगभग 20 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं, और जो इसका सेक्रेटरीएट है वो है ढाका में बांग्लादेश में। तो नॉर्मली क्या रहता है, नॉर्मली पहले तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए इसका नाम क्या है, नाम से ही आप लोगों को पता चल जाएगा, बे ऑफ बंगाल, मतलब बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ये वाली जो कंट्री यहां पर है बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में।
उन्होंने इनिशिएटिव चलाया कि किस तरीके से मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ में करना है, मतलब सॉरी यार, सॉरी सॉरी। तो देखिए यहां पर क्या किया जा रहा है कि हर एक सेक्टर में, कई सारे सेक्टर में किस तरीके से आप एक दूसरे के साथ में इकोनॉमिक कोऑपरेशन बना के चलेंगे, तो उस पर यहां पर फोकस दिया जाएगा। इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहां पर है ये, इसी का नाम भी यहां पर आ जाता है बिम्स्टेक का, वे बंगाल वाले एरिया में। इसके साथ में ये भी इंपॉर्टेंट काफी इंफॉर्मेशन हो जाती है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है, अभी आप लोगों को पढ़ाया था कुछ दिनों पहले। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो क्या काम करेगा, वो इसका पार्टनर है 2005 से, इसकी हेल्प करता है अगर कोई भी लॉजिस्टिक से रिलेटेड, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट अगर इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो वहां पे वो इसकी हेल्प करता है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है, इसके बारे में आप लोगों को पता रहना चाहिए। थोड़ी कुछ इंफॉर्मेशन और देख लेते हैं यहाँ पर, जो इसका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा है कि किस तरीके से हम लोगों को एक दूसरे के साथ में रिलेशन अच्छे बनाने हैं और कोस्टल शिपिंग एरिया में हम लोगों को एक दूसरे के साथ में वर्क करना है। इसके साथ में क्या करना है, एक दूसरे को देखिए ट्रेड की फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है बिटवीन एक दूसरे कंट्री। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे इक्विपमेंट यूज किए जाएंगे, बड़े बड़े शिप नहीं किए जाएंगे ज्यादा, छोटे छोटे इक्विपमेंट किस तरीके से यूज कर सकते हैं हम एक दूसरे की हेल्प करने में, तो उन पर ज्यादा फोकस रहेगा। और खासकर जो हमारी बेस लाइन होती है, मान लीजिए जो हमारा कोस्टल एरिया है हमारी कंट्री का, कोस्टल एरिया से 20 न्यूटिकल माइल्स तक यहाँ पर चीजें की जाएंगी। ये आप लोग कोस्टल एरिया देख रहे हैं, तो इससे 20 न्यूटिकल माइल्स तक यहाँ पर चीजें की जाएंगी। तो इस तरीके से ये मतलब अपने ही एरिया में, आसपास वाले एरिया में वर्क करने का फंडा यहाँ पर ये निकाल रहे हैं एक दूसरे का कोऑपरेट कर। सबसे बड़ी बात क्या होगी, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, एक दूसरे के साथ में अच्छे से मिलकर काम करेंगे, एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा। क्यों? क्योंकि जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है वो कराई जा रही है सी वे के द्वारा, जो कि सबसे सबसे कम कॉस्टली होता है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं शिपिंग रूट पे भी अच्छे से अच्छे फोकस दिया जाएगा, यही आप लोग जान सकते हैं। इसके अलावा अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में आप लोगों को जाकर इनकी इसकी इन्फॉर्मेशन दूं, देखिए हम लोगों ने क्या किया था गोवा में जब ब्रिक की सबमिट हो रही थी 2016 में अक्टूबर में, उस टाइम में हम लोगों ने साइड बाय साइड बिम्स्टेक कंट्री को भी यहाँ पर बुला लिया था हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इन्विटेशन देकर। तो तब से लेकर यहाँ पर इसके ऊपर वर्क चल रहा था इस एरिया के ऊपर कि किस तरीके से कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट हम लोगों के बीच में होना चाहिए, तो उसी पर यहाँ पर अब बातें चल रही है कि इसी को आगे बढ़ाने के ये सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये भी काफी इंटरेस्टिंग आप लोग आर्टिकल बोल सकते हैं। यहाँ पर एक साइड में आ गया इंडिया, इंडिया से है यहाँ पर नीति आयोग, और दूसरी साइड में है यहाँ पर यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के डेलीगेट्स और इंडिया दोनों मिलकर यहाँ पर काम करेंगे। क्या काम करेंगे, जो एनर्जी होती है उसको किस तरीके से इफिशियंटली अच्छे से यूज करना है, बर्बाद नहीं करना है। मतलब कहने का ये है, आप लोग अगर घर से बाहर निकलते हो तो लाइट वगैरह बंद करके निकला करो, फैन वगैरह या फिर टेलीविजन वगैरह, टीवी जो भी है, लैपटॉप वगैरह, सबका मेन स्विच आप लोगों का बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको स्लीप मोड पे डाल के आप लोग निकल जाते हैं, वो गलत बात है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि वो अपना बिल्कुल कंप्लीटली ऑफ करके आप लोगों को निकलना है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको देखा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्ट्रेटजी करेंगे किस तरीके से हम अच्छे से रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी यहाँ पर रिसोर्सेज की जाएगी, मतलब ढंग से यूज करना है, क्योंकि एक सस्टेनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना है, हमारी आगे आने वाली जनरेशन के बारे में सोचना है ना। इसके अलावा मिनिमाइज किया जाएगा एनवायरमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। सीधा सीधी बात है यार, अगर आप लोग रिसोर्सेज को ढंग से यूज करते हैं, सीधी सीधी एनवायरमेंट पर इंपैक्ट करना पड़ना कम हो जाएगा, और अगर ज्यादा यूज करेंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो एक तो कोर प्लान बना रहे हैं 2017 से 2018 के बीच का, इसके अलावा एक मीडियम टर्म प्लान भी बनाया जा रहा है 2017 से 2020 के बीच का। तो इस तरीके से ये प्लान पे वर्क करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से आप लोग अपना टाइम टेबल बनाते हैं ना, पहले इस वीक का बना लेता हूँ, इस वीक में क्या कवर करना है, इस महीने में क्या कवर करना है, और आने वाले 3 महीने में क्या कवर करना है, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से अपना प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना है, तो वही रहेगा कि इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट देखा जाएगा, जो भी इंस्टीट्यूशन यहाँ पर कोई भी एनर्जी का रिलेटेड प्रोजेक्ट है वहां पर किस तरीके से वर्क करते हैं, और टास्क फोर्स एक्सपर्ट की रहेगी यहाँ पर, जो कि उनको सजेशन देगी कैसे कैसे आप लोगों को काम करना है, किस तरीके से कैपेबिलिटीज आप अपनी यूज कर सकते हैं, और बेस्ट प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हैं। और इसको मॉनिटर भी किया जाएगा कि कहां पर सही यूज हो रहा है और कहां पर गलत यूज हो रहा है, अगर कहीं पर गलत यूज हो रहा है तो फिर उसके बारे में देखा जाएगा, समझा जाएगा, और उसको सॉल्यूशन निकाला जाएगा फर्दर। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा एक प्रोजेक्ट चला गया था जिसको बोला गया था ज्ञान प्रोग्राम। तो ये ज्ञान बांटने का काम करते हैं यहाँ पर, अभी इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों नीचे। तो यहाँ पर भी ये प्रोजेक्ट से भी यहाँ पर बात किया गया है, इसके साथ भी कुछ मिलकर यहाँ पर काम किया जाएगा। इसके अलावा देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, रिसाइकिल करना चीजों को, मतलब हम लोग एक बार यूज करके चीजों को फेंक देते हैं, तो अगर कुछ ऐसा किया जाए कि चीजें रिसाइकिल होने लगे, पानी हो गया, पानी को अगर रिसाइकिल किया जा सके, फिर से उसको ड्रिंकेबल बनाया जा सके, तो उन सब चीजों पर टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूज करना है। वेस्ट मैनेजमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, किस तरीके से उसको यूज करना है। अवेयरनेस सबसे बड़ी बात होती है, हम लोगों को पता नहीं रहता है, तो अवेयरनेस फैलाने वाला, तो वो सारा काम यहाँ पर किया जाएगा। तो इस तरीके से मिलकर काम करेंगे यहाँ पर। तो ज्ञान क्या है, ये एक प्रोजेक्ट आप लोग बोल सकते हैं, इसको एक इनिशिएटिव है जिसमें बोला जाता है कि किस तरीके से हम लोगों को अपना हायर एजुकेशन है उसको बढ़ाना है, वो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ में मिलके।
तो उसी के साथ में यहाँ पर सीधा सीधा कनेक्ट हो जाता है हायर एजुकेशन। देखिए हम लोगों ने कई सारे प्रोजेक्ट चलाए थे पास्ट में, हम लोगों ने पहले चलाया था कि जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के लिए उनको पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद में आगे भी हम प्रोजेक्ट लेके आए। अब हमारा फोकस हो गया हायर एजुकेशन पे, क्योंकि उस टाइम से जो बच्चे उस टाइम पर हुआ करते थे आज की डेट में वो आगे बढ़ चुके हैं, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट इसलिए चलाए जाते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंदर ये प्रोजेक्ट है, उसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, एथेनॉल को ब्लेंड करने की बात की जा रही है पेट्रोलियम में। देखिए होता क्या है, आज की डेट में हम बहुत कंट्री से अपना पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो खरीदते हैं, इसीलिए हम दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो किस तरीके से उस डिपेंडेंसी को कम किया जाए, उसी के लिए हम वर्क कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली पेट्रोल पंप पर भी आप लोग पेट्रोल वगैरह लेने जाते हैं, तो वहां पर लिखा होता है कि कितने परसेंट यहाँ पर एथेनॉल मिलाया गया है, 2%, 3%, 6%, वो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वही काम किया जा रहा है। तो काम क्या कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एथेनॉल को ब्लेंड करने के लिए ढंग से प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया जाए। तो 11 स्टेट यहां पर चूज किए गए हैं, इन 11 स्टेट में देखा जाएगा और काम कौन करेगा, किसके साथ में मिलकर ये प्लांट स्टेब्लिश किए जाएंगे। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी। क्या फायदा होगा इससे, अल्टरनेटिव फ्यूल मिलेगा, सबसे बड़ी बात तो ये रहेगी। इसके साथ में इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जो नॉर्मल फ्यूल होता है वो क्या करता है, बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, पर लेकिन ये कम करेगा। इसके अलावा क्या करेगा, दूसरी कंट्री से हम लोग खरीदते हैं काफी कुछ सामान, उसमें भी हम लोगों को राहत मिलेगी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी से। इसके अलावा देखिए कई सारे एरिया में भी आप लोगों को फोकस देखने को मिलेगा, जिस तरीके से एग्रीकल्चर, क्यों, क्योंकि जो ये बनाया जाएगा ये एग्रीकल्चर वेस्ट से ही कहीं ना कहीं बनाया जाएगा। तो अगर इसका इस तरीके से यूज किया जाएगा तो जो हमारे फार्मर हैं, जो हमारे किसान हैं, उनकी इनकम बढ़ती हुई यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगी। तो यहाँ पर सेकंड जनरेशन के, यहाँ पर जो जो सेकंड जनरेशन, इसको बोला जा रहा है सेकंड जनरेशन फ्यूल, ठीक है ना। तो 12 यहाँ पर सेटअप किए जाएंगे आज की डेट में, 11 स्टेटों में प्लांट सेटअप करने की बात चल रही है। ओके, और खासकर रूरल एरिया है उसमें फोकस बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पर भी उनकी इकोनॉमी बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि मैक्सिमम जो ये कनेक्ट रहते हैं ये एग्रीकल्चर से कनेक्ट रहते हैं। फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जा रहा है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, नागालैंड में। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जब विजिट पे गए थे, उन्होंने भी इस तरीके टोपी वगैरह पहन के वहां पर फोटो वगैरह खिंचवाए थे। पता होना चाहिए कब से कब तक, 1 से 10 दिसंबर तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और है कि जो नागालैंड का जो फाउंडेशन डे है वो भी 1 दिसंबर है यहाँ पर, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ओके, तो 1 दिसंबर रहता है, और इसके अलावा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है 1 से 10 तक। ये हॉर्नबिल है जो ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक चिड़िया है, रंग बिरंगी चिड़िया होती है, काफी इंटरेस्टिंग। और इस तरीके फेसिलेट इस तरीके के जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट क्यों किए जाते हैं, सीधा सीधा मतलब है सेलिब्रेट इसलिए किए जाते हैं किसी चीज के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो वहां पर एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू पे ज्यादा फोकस रह जाता है, तो एग्रीकल्चर का कोई भी प्रोडक्ट होता है जब हार्वेस्टिंग के ऊपर करते हैं या फिर मतलब नई नई फसलें लगाते हैं, तो कई सारे फेस्टिवल अलग अलग एरिया में भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। और यहाँ पर दूसरी बात क्या है, दूसरा फोकस है किस तरीके से यहाँ पर फोकस देना है टूरिज्म एक्टिविटी में। मतलब देखिए पता होना चाहिए कि हमारे किस एरिया में क्या क्या है, तो टूरिस्ट एक्टिविटी भी बढ़ती हुई नजर आएगी अगर इस तरीके से बढ़ेगा। और टूरिस्ट एक्टिविटी अगर बढ़ती है तो उस एरिया की इकोनॉमी डायरेक्ट बढ़ती है। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने इस साल इनॉग्रेट किया है जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये। तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि 60% जो पॉपुलेशन है लगभग वहां डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। तो एक तरीके से नाच गाना करते हैं, कलात्मक या आप लोगों को कलात्मक यहाँ पर नाटक देखने को मिलेंगे, इस तरीके से यहाँ इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये ऑफिशियल फेस्टिवल है, आप लोग इसको ऑफिशियल नाम देना, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मतलब कुछ भी है लोकल वाला टाइप का इस तरीके से बोल दिया, ऑफिशियल है यहाँ पर, बकायदा पूरे पता चलता है इसका जब सेलिब्रेट किया जा रहा है, और टूरिस्ट भी आते हैं बाहर से देखने के लिए, और एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में। काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी, पता होना चाहिए क्या है हमारे देश में इंटरेस्टिंग। अब छोटी छोटी बातें देख लेते हैं कुछ, जो इधर उधर की एक एक लाइन की बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। वर्ल्ड एड डेज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उस टाइम पे आप लोगों को यहाँ पर ये चीज एक्स्ट्रा आप लोगों को बतानी थी यहाँ पर, कि यहाँ पर एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान लॉन्च किया जा रहा है 17 से 24 के लिए, ठीक है ना, जिसको बोला जा रहा है संपर्क। इस संपर्क मिशन का आप लोगों को पता होना चाहिए, संपर्क मिशन के तहत कॉन्टैक्ट किया जाएगा किसी को भी इस तरीके से प्रॉब्लम है, और उसको ART की सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी जो कि हेल्प करती है एड्स को कंट्रोल करने में, ठीक है। और ये आप लोगों को देखना है कि 2030 तक का टारगेट है कि कंप्लीटली हमको इसको खत्म करना है। किस दिन सेलिब्रेट करते हैं ये जो वर्ल्ड एड्स डे है, मैंने आप लोगों को बताया था, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, रिवीजन जरूर करते रहिए यार, देखिए, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट जो है यहाँ पर CWPRS पुणे और CSMRS न्यू दिल्ली, ठीक है, तो इनको ISO सर्टिफिकेट मिल गया है। ISO सर्टिफिकेट क्या होता है, ये एक तरीके से क्वालिटी का सर्टिफिकेट होता है, अगर किसी एरिया में कोई पर्टिकुलर क्वालिटी मेंटेन रख दी जाती है तो ISO सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो इसका मतलब अप टू द मार्क है, आप उस प्रोडक्ट का आसानी से यूज कर सकते हैं या वो सर्विस जो प्रोवाइड करा रहे हैं उनका, ठीक है। तो ये क्या है, सेंट्रल वाटर एंड द पावर रिसर्च स्टेशन, और इसके अलावा यह सेंट्रल सोयल एंड द मटेरियल रिसर्च स्टेशन, तो इनको दोनों को ISO का सर्टिफिकेट मिला है। नेक्स्ट क्या है, ये आप लोगों की UPSC से रिलेटेड न्यूज है।
समीता नागराज जो है यूपीएससी की नई मेंबर बन गई है। यूपीएससी के ऊपर कंप्लीट लेक्चर है, यहाँ पर पॉलिटी जो पढ़ा रहा हूँ उसमें आप लोगों को कंप्लीट लेक्चर देखने को मिल जाएगा। नीचे सारे लेक्चरों की लिस्ट मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा जिस किसी ने भी नहीं देखा है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, यह है चीफ जस्टिस 29th ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इनकी डेथ हो गई है 1 दिसंबर को। नाम है आदर्श सेन आनंद। तो कई बार इस तरीके के पर्सन स्पेसिफिक अगर न्यूज आ जाती है तो उनके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इनका आप लोग नाम याद रखिएगा, 29th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और जो सर्व किया था इन्होंने वो 1998 से 2001 तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। ओके, बोर्न हुए कहां पे? जम्मू और कश्मीर में। तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा सा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए आज की डेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इंडिया का लार्जेस्ट बैंक बन गया है, क्योंकि इसमें कई सारे बैंक मर्ज हो गए हैं। कई सारे क्या, 5 बैंक मर्ज हुए हैं। बैंक का नाम कौन कौन सा था? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एंड स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेंकोर। और इसके साथ में एक इंटरेस्टिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ये भूल जाते हैं कई बार, वो कौन है? स्टेट बैंक ऑफ, ये है भारत महिला बैंक। ठीक है, तो ये भी इसके साथ में ऐड किया गया था, इनके साथ में मर्ज किया गया था। कब हुआ था मर्ज? ये हुआ था 1 अप्रैल 2017 को। तो ये तो आज की स्टेटस है। अब आप लोगों को थोड़ा हिस्ट्री में लेके चलता हूं बैंक की। देखिए थोड़ा अगर स्टार्टिंग में आप लोगों को बैंकिंग सिस्टम की मैं बात करूं, स्टार्टिंग में जब बैंकिंग सिस्टम हुआ करता था वो कॉमन जनता के लिए नहीं हुआ करता था, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे उनके लिए हुआ करता था, या फिर जो और भी यहाँ पर अच्छे अच्छे जो बड़े घराने हुआ करते थे उनके लिए बैंक हुआ करते थे और उन्हीं को सर्विस प्रोवाइड कराया करते थे, कॉमन जनता के लिए नहीं हुआ करता था बैंक। तो उस टाइम पर आप लोग देख सकते हैं 2 जून 1806 तब बैंक ऑफ कोलकाता हुआ करता था, कोलकाता यहाँ पर हफ्ता, फिर 27 जनवरी 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसको बोला गया, और फिर जाके 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दे दिया गया इसको, और बाद में इसको 2 जून 1956 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया। तो यहाँ से अगर आप लोगों को थोड़ा सा जानने को मिले हिस्ट्री में, इसके बाद में आप लोगों को आगे देखने को मिला होगा कि जब इंदिरा गांधी जी आई तब जाकर यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम है वो थोड़ा ग्राउंड लेवल पर आई। उससे पहले जो बैंक हुआ करते थे वो बहुत ही रईस आदमियों के लिए हुआ करते थे, इसके अलावा और किसी को नहीं लगता था कि उसको बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यही यहाँ पर सिस्टम है, पर आज की डेट में आप लोग देख सकते हैं कि कितने लार्ज स्केल पर काम चल रहा है हर एक इंसान को बैंकिंग सिस्टम में लाने के लिए। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है इनके चेयरमैन ये हैं रजनीश कुमार। ठीक है, तो रजनीश कुमार है और 7 अक्टूबर को भी लेटेस्ट इनकी अपॉइंटमेंट की गई है, तो इसलिए भी आप लोगों को इनका पता होना चाहिए। पुरानी चेयरमैन कौन थी जो रिटायर हुई है उसके बारे में बताइए, बहुत ज्यादा न्यूज में थी वो। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये कुछ टैग लाइन है इसकी जो आप लोगों को पता होना चाहिए, पूछ ली जाती है। बात क्या है? प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, मतलब पूरा बैंकिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। विद यू ऑल द वे, आपके साथ में हर समय हम है। ए बैंक ऑफ द कॉमन मैन, कॉमन मैन का बैंक। द बैंकर टू द एवरी इंडियन, हर एक इंडियन के लिए है ये। एंड द नेशनल बैंक ऑन अस। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये टैगलाइन याद रख सकते हैं, कई बार पूछ ली जाती है किससे कनेक्टेड है, तो ये भी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कनेक्टेड। तो काफी इंटरेस्टिंग है, आज के डेट में आप लोग लार्जेस्ट बैंक इसको बोल सकते हैं अपनी कंट्री का, क्योंकि बहुत सारे बैंक इसमें मर्ज हो चुके हैं। मर्ज कब हुए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, खासकर करेंट का क्वेश्चन। और ये ऊपर वाला, ये दो चीज आप लोग याद रखिएगा, चेयरमैन, और ये तो कम से कम याद रखनी ही रखनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट, जनवरी की योजना के टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वहीं पर डिजास्टर मैनेजमेंट हम लोग चल रहा है, वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कंप्लीट योजना है। तो आर्टिकल क्या दे रखा है कि क्या क्या रोल है और क्या क्या इफेक्टिव, मतलब इंपॉर्टेंस है, जो कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। आप लोग इसको समझने के लिए अपने आप को एक मिनट के लिए सिचुएशन में महसूस कीजिए कि आप एक ऐसे एरिया में है जहां पर या तो बाढ़ आ रखी है, या फिर जहां पर आसपास में अर्थक्वेक आ गया है, या फिर सुनामी आ गई है। उस टाइम पर आप लोगों को किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग इस आर्टिकल को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। आप लोग समझ सकते हैं वहां पर सारा नेटवर्क खत्म हो जाता है क्योंकि वहां पर लाइट नहीं रहती है, तो इस टाइम पर किस तरीके से एक दूसरे के साथ में कनेक्शन बनाना है। तो ये होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, वहां पर अगर ढंग से यूज नहीं किया जाएगा तो बहुत सारा जो डिजास्टर है वो और ज्यादा स्केल पर बढ़ता हुआ नजर आता है। तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट टाइम कितना ज्यादा फायदा हुआ था जब हम लोग देख रहे थे कि डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें कर रहे थे कि अगर कम्युनिकेशन होता है तो कितना ज्यादा है, मतलब एक तो लगता है कि बहुत बड़े स्केल पर यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है, पर लेकिन अगर कम्युनिकेशन सिस्टम ढंग का होता है तो वो जो प्रॉब्लम है जो लार्ज स्केल वाली उसको घटाया जा सकता है। तो 4 एरिया यहाँ बड़े बड़े बताए गए। एक तो मिटिगेट करता है, मतलब प्रॉब्लम को कम करने में काम करता है, प्रिपेयरनेस को बढ़ाता है, कितने अच्छे लेवल पर हम प्रिपेयर हैं, रेस्पॉन्स इतना ही अच्छा होगा जितनी जल्दी चीजों का पता चलेगा और रिकवरी भी उतनी ही ज्यादा हो पाएगी। तो ये 4 एरिया है जिसमें ढंग से वर्क करता है, अगर ढंग से कम्युनिकेशन है तो ये 4 एरिया आप लोगों को नजर आएंगे। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं अगर आपके मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए और आपका किसी ऐसे एरिया में है जहां पर आप लोगों से कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं कर सकता है तो आप लोग कैसा फील करेंगे। तो इसी तरीके से इसको समझने के लिए आप लोग देख सकते हैं कम्युनिकेशन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है यहां पर।
और इसके अलावा जीपीएस की डेट से आप हर एक चीज को जरा सी देर में लोकेट कर लेते हैं। तो जीपीएस का भी सिस्टम तभी यूज किया जाएगा अगर आपके पास में डिवाइस है और वो चार्ज है। नेटवर्क तो दूसरी बात है, नेटवर्क तो बाद में आएंगे, पहले तो चार्ज होनी चाहिए डिवाइस। और जब लाइट वगैरह नहीं रहेंगी, बिल्कुल शट डाउन रहेगा, तो कहां से चार्ज होंगी? तो वहां पर भी कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। बेस्ट एक्सपीरियंस हम लोगों को देखने को मिला जो फाइलिन अभी हिट किया था उड़ीसा में, तो ये उस टाइम पर हम लोगों ने देखा जब ये साइक्लोन था, तब हमको कई चीजें फील हुई। उस टाइम पर हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से वहां पर हम बहुत सारी अपने जो सिटीजन है उनको बचा पाए और उनको डेंजर जोन से बाहर निकाल पाए। तो ये फायदा होता है यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। इसके अलावा जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको भी प्रॉपर वे में गाइड करना चाहिए, प्रॉपर वे में एरिया को कवर करना चाहिए, और अपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो हैं उनकी भी ढंग से देख रेख करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट ही ऐसे हैं जो सब चीजें रिकॉर्ड करते हैं, और आगे आने वाले टाइम में अगर आज की डेट में इंस्ट्रूमेंट ढंग से यूज किया जा रहा है, आगे आने वाले टाइम में पता चलता है ढंग से प्रिपेयर है चीजें या नहीं, और उनकी प्रिपेयरनेस के बेस पर यहाँ से अच्छे से काम हो पाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट का हमारा टॉपिक चल रहा है, जो जो आर्टिकल मुझे अच्छे लगेंगे वो आर्टिकल मैं आप लोगों का कराता रहूंगा। तो इस तरीके से हमारी योजना भी साथ साथ में अच्छे से कवर हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे यहाँ पे जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कि हमारी योजना के अंदर है, जनवरी की योजना चल रही है, ये याद रखना आप लोग। किताब देख लेते हैं। देखिए आज की आप लोगों को इसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने सुनी होगी, इंडियन ईयर बुक बोलते हैं इसे नॉर्मली हम, पर जो नॉर्मल टाइटल रहता है वो रहता है इंडिया 2070 या फिर भारत 2070, मतलब जो सा भी डे ईयर होता है वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट वाली आएगी 18 हो जाएगा यहाँ पे। ये क्या होती है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, किसके द्वारा रिलीज की जाती है? इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इसके द्वारा ये रिलीज की जाती है, और इसमें जो ब्यूरो रहता है वो जो लास्ट में हमारी जो कंट्री में जो चीजें चल रही हैं उसका ब्यूरो रहता है, और काफी इंपॉर्टेंट बुक होती है ये। खासकर आप लोगों को इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इसमें से पढ़ लेनी चाहिए, जो अपडेट्स होती है हर साल जो अपडेशन इसमें रहती है, उन चीजों का कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इससे भी कई सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के निकल के आते हैं। तो काफी एक मोटी सी बुक होती है, जो यूपीएससी की नॉर्मली तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही पता होगा, और एसएससी या फिर बैंकिंग वालों ने भी इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग चाहे तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट निकल के आते हैं इन किताबों से। तो आज का क्वेश्चन आप लोगों का डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड ले लिया है मैंने, जो आप लोगों का टॉपिक कवर कराया था योजना का। सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में आप लोगों को बताना है, एक तो क्वेश्चन हो गया ये, और दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में बताना है, ये भी मैंने अच्छे से कवर किया था जब योजना का आर्टिकल डिस्कस किया था। दोनों ही क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, और अब आप देख लीजिए जो हम लोगों ने लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों से मैंने पूछे थे उसके बारे में। मैंने पूछा था कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी के बारे में कि कौन कौन सी है यहाँ पर, तो जो जो यहाँ पर आंसर है वो है 2 और 3। ठीक है ना, तो 2 क्या हो गया, 2 हो गई ये, और 3 हो गया यहाँ पर ये। तो पहली हो गई मालाप्रभा, दूसरी हो गई घटप्रभा। देखिए नॉर्मली क्या करना है आप लोगों को, कम से कम जिस एरिया से आप लोग बिलोंग करते हैं तो उस एरिया की रिवर की ट्रिब्यूटरी तो आप लोगों को पता ही होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये था यहाँ पर एशिया पैसिफिक के बारे में। ठीक है ना, तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एपेक, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था। तो पहला है क्या इंडिया इसका मेंबर है? नहीं जी, बिल्कुल भी मेंबर नहीं है इंडिया इसका, तो पहला गलत हो गया। दूसरे में क्या बात की गई कि जो सारी इकोनॉमी है उनको इक्वल डिसीजन मेकिंग में इनका वो रहता है कंसेंसस। हाँ बिल्कुल सही बात है, सारे को यहाँ पर इक्वल वोटिंग राइट दे रखे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब दूसरा यहाँ पर सही हो गया। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ अपेक। ओके, नेक्स्ट जो हो गया यहाँ पर ये बात की जा रही है टाइड्स के बारे में, ज्वार भाटा जिनको आप लोगों ने सुना होगा नाम दिया जाता है, तो किसकी वजह से होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सन का, बिल्कुल होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मून का, जी हाँ बिल्कुल होता है, और अर्थ का होता है। इन तीनों की वजह से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, आते हैं यहाँ पर ज्वार भाटा, जिनको हिंदी में ज्वार भाटा और इंग्लिश में टाइड्स बोलते हैं। ओके, तो ये आप लोगों के आंसर हो गए जो कल पूछे थे मैंने, मतलब लास्ट वीडियो में थे, कल तो संडे था। अब देख लीजिए अपना पॉलिटिकल जो आप लोगों को रिवीजन का करना है, पॉलिटिकल लेक्चर 5 हो गया यहाँ पर, इसको आप लोगों को जाकर देखना है, और उसके बाद में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और उसके साथ में ये क्या है यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी, और दूसरी कमेटीज कौन कौन सी थी, तो सारी कमेटी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया वहां पर। तो ये आप लोगों को इसका आंसर देना है, मतलब किस तरीके आपको इसको एक्सप्लेन करना है, क्या क्या कौन कौन सी कमेटी थी और ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन मेंबर थे, थोड़ा सा जाके देखिएगा, लेक्चर का लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। तो रिवीजन का आज ये हमारा 5वां लेक्चर हो गया, पॉलिटिकल रिवीजन चल रहा है आप लोगों का। ओके, 80 से ज्यादा लेक्चर में ले चुका हूं पॉलिटिकल, तो रिवाइज कर दीजिए आप लोग अब उनको। तो क्या क्या देखा हम लोगों ने, एक बार रिव्यू दे लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा इंडियन नेवी डे के बारे में, फर्स्ट हमने इंडियन नेवी के डे के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने देखा क्या नेशनल न्यूट्रिशन मिशन क्या है उसके बारे में जाना, फिर उसके बाद में हम लोगों ने जाना ये रिसोर्स इफिशियंसी किस तरीके से हम लोग ज्यादा बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से उसको यूज किया जा सकता है इसके बारे में, फिर हम लोगों ने बिमिस्टिक के बारे में देखा और कौन कौन सी कंट्री है वो भी हम लोगों ने देखी। इसके बाद में फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल, और फिर हम लोगों ने इससे पहले देखा था क्या था इथेनॉल की ब्लेंडिंग किस तरीके से की जा रही है, ये सारा एरिया हम लोगों ने कवर किया। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर
इसके बाद में फिर हम लोगों ने ये मिसलेनियस कई सारे कुछ देखे यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, और ये फिर कौन यूपीएससी के मेंबर बनाया वो सब देखा। इसके बाद में हम लोगों ने जाना एसबीआई के बारे में, किस तरीके से हमने पूरी एसबीआई की हिस्ट्री देखी, ये हमने आज की बुक कवर की थी इंडिया ईयर बुक। इसके बाद में हम लोगों ने योजना का आर्टिकल देखा था, और ये थे आप लोगों के क्वेश्चन जिनका आप लोगों को आंसर देना था। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट लेक्चर। देखिए सारी चीजें कुछ दिन नहीं हुआ करती, कुछ चीजें अल्टरनेट डेज पे डालता रहूंगा मैं, क्योंकि लेक्चर वरना बहुत लेंथी हो जाता है और मुझे भी बहुत सारी चीजें कवर करनी होती है। तो एक सिस्टमेटिक वे में लेके चलते हैं, कुछ चीजें अल्टरनेट डेज पे कर लेते हैं। जैसे बुक्स हैं, इतनी सारी थोड़ी ना होगी कि डेली हम लोग कवर कर पाएंगे, मतलब डेली बुक्स ही बुक्स आ रही हैं। तो जब बुक्स दिखा करेंगे वहां पर बुक्स डाल दिया करेंगे, या फिर उसकी जगह कोई अवार्ड दिखा करेगा, अवार्ड या फिर गेम से रिलेटेड कुछ रहा करेगा। तो इस तरीके से मैं सारी चीजें आप लोग कवर करके चलूंगा। आप लोगों को डाउट नहीं रखना है जरा सा भी, वो मेरे ऊपर आप लोग छोड़ दीजिए, मुझे कैसे कवर करना है वो मैं अपने आप देखता रहूंगा। बस आप लोग पढ़ाई कीजिए और इंजॉय कीजिए। और चीजें देखिए आप लोग पीडीएफ जो है यहां से शेयर कर सकते हैं फेसबुक पे, यहां पर आप लोग इसको लाइक भी कर सकते हैं पेज को, और नीचे टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट लेक्चर की ये पीडीएफ है ये अवेलेबल होगी। और चीजें फेसबुक पे देखिए शेयर भी कर दिया कीजिए, जिससे कि सब तक पहुंच जाए ये चीजें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। देखिए अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को भी सेव कीजिए, और एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और चीजें जितनी आप लोग शेयर करेंगे, शेयर करने से कभी चीजें घटती नहीं है, हमेशा बढ़ती है। तो शेयर करना मतलब दूसरों को पढ़ाना और रिविजन करना अपना। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।